जो पिस्टन इंजन आप देख रहे हो, इसमें एक खास बात है, इसको चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या हम इसे फिर एक फ्री एनर्जी इंजन कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग फ्री कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है इस इंजन की वर्किंग को समझते हुए आपको बहुत कुछ फ्री एनर्जी जनरेटर का जो लोग कंसेप्ट देते हैं वह चीज भी समझ में आ जाए अच्छे से। जो इंजन आप देख रहे हो यह माइकल वोल्डन ने बनाया था, जिसका नाम है मैग्नेट मोटर इंजन। यह ठीक जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसी की तरह काम करता है। फर्क इसमें बस इतना सा है कि यहाँ पर जो चार पिस्टन लगे हुए हैं यह चार परमानेंट मैग्नेट है। इनके ऊपर और चार परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है जिनको स्टेटर मैग्नेट बोलते हैं। जो मोटर होती है जनरली उनमें स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है, लेकिन इस इंजन में स्टेटर मैग्नेट रोटेट करती है और स्टेटर मैग्नेट जुड़ी रहती है एक बेल्ट के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से। जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है तो स्टेटर मैग्नेट भी रोटेट करती है, लेकिन कमाल की बात है कि क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने के लिए पावर भी स्टेटर मैग्नेट के थ्रू ही मिलती है। इसको समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। इस मैग्नेट मोटर इंजन में मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज अट्रैक्शन और रिपल्शन को काम में लिया गया है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि यह मैग्नेट ही है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? कमेंट में जरूर से लिखना। सबसे पहले स्टार्टिंग पिस्टन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटर मैग्नेट है उसकी पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से यह मैग्नेट पिस्टन पर ना ही तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है और ना ही कोई रिपल्शन फोर्स लगा रही है। दो नंबर पिस्टन की तरफ देखें तो यहाँ पर जो स्टेटर मैग्नेट है वह पिस्टन पर रिपल्सन फोर्स लगा रही है, क्योंकि दोनों ही मैग्नेट के साउथ पोल एक दूसरे के सामने हैं और इस कंडीशन में मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती है। यदि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दो नंबर पिस्टन को पावर मिल रही है स्टेटर मैग्नेट से। तीन नंबर पिस्टन ठीक एक नंबर पिस्टन की तरह ही है, जिस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही फोर्स नहीं लग रहे हैं। फोर्थ नंबर पिस्टन को देखें तो यहाँ पर स्टेटर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पिस्टन के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है पिस्टन नंबर चार को भी पावर मिल रही है स्टेटर मैग्नेट से। यदि ओवरऑल चारों पिस्टन को देखें तो दो पिस्टन ऐसे हैं जिनको स्टेटर मैग्नेट से पावर मिल रही है। यदि स्टेटर मैग्नेट को 90 डिग्री पर और रोटेट करें तो अब की बार इन दो पिस्टन को पावर मिल रही है। पिस्टन अपने इस लीनियर मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाते हैं और क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में बदल देती है। जो फोर सिलेंडर इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है वह फोर स्ट्रोक इंजन होता है और चारों सिलेंडर में से एक ही सिलेंडर में पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है एनी टाइम। यदि आपको यह बात नहीं समझ आई तो इस बेहतरीन वीडियो को देख सकते हो जिसमें आईसी इंजन की वर्किंग को अच्छे से समझाया गया है। लेकिन जो हमारा मैग्नेट मोटर इंजन है इसके चार सिलेंडर में से दो सिलेंडर में पावर स्ट्रोक अवेलेबल रहता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आईसी इंजन के जो चार सिलेंडर काम करते हैं उतना काम यहाँ पर दो सिलेंडर ही कर देते हैं। इंजन के साइड में एक फ्लाईव्हील लगा रहता है जो जर्की मोशन को एक प्रॉपर रोटेशन में बनाए रखता है। जो आउटपुट में हमें रोटेशनल पावर मिल रही है इससे हम एक जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यदि इंजन को कार में लगाया गया तो कार को चलाया जा सकता है और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें या तो किसी दूसरी मोटर से सहारा देना होगा या फिर अपने हाथ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो यह स्टार्ट हो जाएगा। और रोकने के लिए या तो हमें स्टेटर मैग्नेट को अलग करना होगा या फिर स्टेटर मैग्नेट के रोटेशन को रोकना होगा। यहाँ पर सोचने की बात है कि इस इंजन से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं क्या हम उसको फ्री एनर्जी जनरेटर बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पिस्टन और स्टेटर मैग्नेट लगी हुई है उनके अंदर पावर है। जब परमानेंट मैग्नेट को बनाया जाता है तो उसमें पावर स्टोर की जाती है और उसी पावर को अब हम एक इंजन बनाकर वापस निकाल रहे हैं। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम फ्री एनर्जी जनरेटर तो नहीं बोल सकते। मैंने एक वीडियो बनाया था फ्री एनर्जी जनरेटर को लेकर, जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप वीडियो है कुछ लोगों के लिए, आप भी उस वीडियो को देख सकते हो। उस फ्री एनर्जी जनरेटर में जो मेन कंपोनेंट है वह जनरेटर ही होता है। उसकी डिजाइन कुछ जो अभी अपन ने बात की थी मैग्नेट मोटर इंजन की ऐसी ही होती है, और वह लोग हमें एक फ्री का एनर्जी जनरेटर बनाकर दिखा देते हैं।
एक्चुअल में वह जनरेटर मॉडिफाइड होता है। बीबीसी न्यूज हिंदी का एक इंटरव्यू है हैदराबाद के कपल का, जिनका दावा है कि उन्होंने फ्री एनर्जी जनरेटर बना लिया है। मैंने उनके पास में कई बार मेल भी किया लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। उनका जो एक्सप्लेनेशन है उससे मेरे को कुछ खास समझ में आया नहीं है कि वह जनरेटर काम कैसे करता है, तो उसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी आप में से भी बहुत लोग साइंस से जुड़े हुए हैं। साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, फ्री एनर्जी जनरेटर पॉसिबल है? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। तो माइकल वोल्डन का मैग्नेट मोटर इंजन कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए एनिमेशन से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। आप मुझे patreon.com पर या सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।